नाड़ी से रोग ज्ञान विधि, आप किस प्रकार से अपने नाड़ी के द्वारा विभिन्न बीमारियों को पहचान सकते हैं? सर्वप्रथम हाथ के अंगूठे की जड़ में चलने वाली नाड़ी जीवसाक्षिणी कही जाती है। उसके प्रयत्न द्वारा ही शारीरिक सुख दुख की अनुभूति होती है। वह नाड़ी वात विकार में जोंक और सांप की गति के समान चलती है। पित्त दोष के कारण वह कुलिंग पक्षी, काक और मेरक की चाल से चलती है। कफ के कुपित होने पर उसकी गति हंस तथा कपोत के समान रहती है तथा संनिपात रोगों में लवा, तीतर और बटेर की चाल से चलती है। दो दोषों के प्रकोप से वह कभी कभी मंद एवं द्रुत गति से चलती है। अपने स्थान से पतित होने पर वह जीवों के प्राण भी ले लेती है। रुक रुक कर चलने वाली मंदरूपा और शीतल नाड़ी प्राणनाशिनी होती है। ज्वरावस्था में उष्ण होकर वह वेग पूर्वक चलती है। काम क्रोध के उद्वेगावस्था में वह वेगवाहिनी तथा चिंता, शोक, भय आदि की स्थिति में क्षीण प्राय रहा करती है। क्षीण धातु तथा मंदाग्नि वाले व्यक्ति की नाड़ी अत्यंत धीमी होती है, किंतु आमदोष के कारण नाड़ी में रक्त पूर्णता, कीचित उष्णता तथा भारीपन देखने में आता है। प्रदीप्त क्षुधाग्नि वाले व्यक्ति की नाड़ी हल्की, गहरी तथा वेग से प्रवाहित होती है। स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी स्थिर तथा बलवान होती है। क्षुधातुर व्यक्ति की नाड़ी में चपलता तथा क्षुधा के अभाव में स्थिरता पाई जाती है। इस प्रकार नाड़ी ज्ञान को श्रेष्ठ वैद्यों ने कहा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।